तो फ्रेंड्स हम लोग लेके आए थे ये कुकिंग रेंज, और ये कुकिंग रेंज का प्राइस है, ये जो ब्रांड है ये है जनरल सुप्रीम, और इसका प्राइस है यहाँ का सऊदी अरेबिया का 900 रियाल्स। तो सऊदी अरेबिया में ये हमको पड़ा है 900 रियाल्स में। तो आपको ये कैसे लगा आप बताइए। तो आज मैं आपको अपना कुकिंग रेंज दिखाऊंगी और इसके फीचर्स दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ग्लास कवर होता है, जब ये यूज़ नहीं करते हैं तो हम ये ग्लास कवर नीचे करके रखते हैं। तो अभी इसको ऊपर कर देते हैं, ये इस तरीके से ऊपर जाता है, ऐसा क्वालिटी मार्क आता है, इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं किस तरीके से ये ऑपरेट होता है और किस तरीके से ये क्लीन होता है। और गैस बर्नर, तो ये सबसे बड़ा वाला बर्नर है, ये सेकेंड वो सबसे छोटा और ये सबसे छोटा। तो फ्रेंड्स ये जो है इसको कनेक्ट किया है सिलेंडर से, तो यहाँ से आई थिंक ये देखिए इस तरीके से कनेक्ट होता है। ये प्लग मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है, ऑटोमेटिक ही ये स्टार्ट हो जाता है। तो इसको तो ये जो है ये टाइमर है, कुछ भी हम कुक करते हैं तो हम अपना टाइम सेट कर सकते हैं, 0 से लेके 55 मतलब 60 मिनट्स का टाइमर यहाँ पर सेट हो जाता है। और यहाँ पर है ये ग्रिल के लिए है, तो ये ग्रिल इसके नीचे के साइड में है जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये है ओवन के लिए, तो ओवन को मैक्सिमम 120 से लेके 240 डिग्री तक हम इसमें कुक कर सकते हैं। वाला जो है चूल्हे का गैस का उसका बटन है, तो इसमें देखिए ये जो दो बटन है ये इस साइड वाले गैस का है, और ये जो दो बटन है ये इस साइड वाले कुकिंग रेंज का है। तो आप देख सकते हैं ये अगर यहाँ पर ये इंडिकेशन है ये पीछे वाला और ये फ्रंट वाला, तो इस सेक्शन में ये पीछे वाले गैस का बटन है और ये आगे वाला, वैसे ये वाला उस सेक्शन में, ये फ्रंट साइड वाला ये बैक साइड वाला। और यहाँ पर दो है ये लाइट है, इसको प्रेस करेंगे तो ये नीचे लाइट आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं लाइट, इसके अंदर लाइट है, अगर हम बंद करते हैं तो नीचे की लाइट बंद हो जाती है। तो ये देखिए ये यहाँ पर इसका लाइट है, लाइट ऑन कर दिया है। तो मैं जो ये वाला बटन बता रही थी ये बटन है इस चीज़ का, ये देखिए ये जो है ये ऊपर से रोस्टिंग होता है, तो रोस्टिंग के लिए इसका है वो बटन। ये जो हमारा ओवन चलता है वो ये देखिए ओवन नीचे से हीट देता है, तो ये इसके लिए बटन है। तो इसमें हमको दो ट्रे मिलते हैं, एक ये नॉर्मल ग्रिल का ट्रे मिलता है जिसमें हम कोई भी बर्तन में रख के हम ओवन यूज़ कर सकते हैं, और ये वाला जो ट्रे है इसमें भी हम बेक कर सकते हैं, ये बेकिंग ट्रे है। तो ये इजीली स्लाइड आउट और स्लाइड इन होता है, और ऐसे इतना अच्छा हैंडल दिया गया है, तो इसको ऐसे पुल करते हैं बहुत ईजी है, और ये ऐसे बंद हो जाता है। तो ये जो बटन है इसको थोड़ा सा अंदर पुश करना है, घुमाना है, ऑन हो जाता है। और यहाँ पर जो बटन है इसको साथ साथ में हम ये करते हैं फिर लूज छोड़ देते हैं। तो देखिए ये वाला गैस बर्नर जल गया, अब सेकेंड वाला भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, ऐसे देखो इधर इधर इन दोनों को साथ में प्रेस करना है, जैसे दबाए प्रेस किया वो देखिए वहाँ पर सेकेंड गैस भी बंद हो गया अभी। तो अब ये वाली गैस ज़्यादा नहीं मिल रही है, आगे वाला साइड है, तो देखिए बाद में ऐसे छोड़ देना है। अब वो पीछे वाले गैस जलाना है तो देखिए चारों बर्नर मैंने इकट्ठा जला दिया है। अब इसको बंद करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, बस ऐसे हल्के हाथ से इसको घुमा देना है और बटन बाहर की तरफ आ जाती है, देखो देखो मैजिक, बस ऐसे इसको घुमाना है तो ये बटन अपने आप बाहर आ जाता है, ये देखिए। तो ये चारों गैस बंद हो गए। अब अंदर जो है ये थोड़ा ट्रिकी टास्क है क्योंकि ये लाइटनिंग से नहीं चलेगा, तो इसके लिए हमें लाइटर यूज करना है। तो ये देखिए ये मेरे पास लाइटर है, तो इसको ऑन रखिए और आप इसको प्रेस करके ऐसे करेंगे, और यहाँ पर एक होल दिया है देखिए, तो अच्छे व्यू के लिए मैं पहले ट्रे निकाल देती। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पर जो बटन है इसको बस प्रेस करके ऑन करना है हमें, सेम जैसे गैस का किया है ऐसे प्रेस करके ऑन करना है, और ये लाइट ऑन रख के इधर देखिए अंदर जल गया ना,
इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अंदर जल रहा है, दिख रहे दिख रहे। और अब इसको अगर हम घुमा देंगे तो ये बंद हो गया। कैसे प्रेस करके घुमाना है, और ये देखिए गैस यहाँ पर जल रहा है, कितना अच्छा दिखता है ना। इसको भी हम ऐसे कम और ज्यादा कर सकते हैं, ये कम है और ये ज्यादा है। बस तो बंद करना है तो ऊपर नीचे नीचे दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद अपना बेकिंग ट्रे या कुछ भी आप आगे डाल सकते हैं। और अगर इसमें मैं कुछ खाना बनाती हूँ, जब हम बेक कर रहे हैं यानी ये वाला फीचर यूज कर रहे हैं तो हम ये अवन पूरा बंद कर सकते हैं, लेकिन हम जब ये ग्रिलर यूज कर रहे हैं तो फिर हमें ये वाला एक ऑप्शन दिया है। और ऊपर 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 और ऊपर ऊपर स्क्रू है वो। तो जब हम वो ऊपर वाला पार्ट यूज करेंगे ग्रिलिंग के लिए, तब ये इसको ऐसे ट्रे को लगाना है। तो इसको बस इस फिक्स करना है ऐसे इस तरीके से। तो ग्रिलर यूज करते समय हमें थोड़ा वेंटिलेशन देना है, इसीलिए हमें विथ ओपन ग्रिल, देखा यूज विथ ओपन ग्रिल यहाँ पर लिखा है, तो इसको इस तरीके से सेट करना होता है। तो ताकि यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा वेंटिलेशन है वो यहाँ से हो सके। यही था मेरे कुकिंग रेंज का छोटा सा डेमो। आपको ये डेमो कैसे लगा आप बताइए, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको अच्छा लगा नहीं लगा। और बाद में इसको क्लीन करने के बाद जब आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसको ऐसे बंद करके रख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।